Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this topic, dear student. The topic is life cycle, unit number 4. And this topic comprises the life cycle of different selected animals. वो एनिमल जो हमने इसमें देखने हैं वो कौन कौन से एनिमल हैं और फिर आखिर में पॉइंट टू पॉइंट भी होंगे जी. स्टूडेंट, लाइफ साइकिल, द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन लिविंग थिंग ड्यूरिंग इट्स लाइफ इज कॉल्ड इट्स लाइफ साइकिल. वो तब्दीली के मराहिल, वो तब्दीलियाँ जो लिविंग थिंग में एक जानदार में रूनुमा होती हैं, इसकी ज़िंदगी के मरहले में इसकी ताहयात जितनी भी इसकी मतलब ज़िंदगी है उसमें उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक की जो स्टेप्स हैं, जो चेंजेस हैं, उसको ओवरऑल कलेक्टिवली हम कहते हैं लाइफ साइकिल. हयातियाती दौर या ज़िंदगी का जो है ना ये चक्कर है, अगर हम उसको उर्दू की सेंस में समझें. Different organism have life cycle of different time, span and stages. मुख्तलिफ जानदार हैं, डियर स्टूडेंट, मुख्तलिफ एनिमल हैं, उनके लाइफ साइकिल का दुरानिया और उनकी जो मराहिल हैं, स्टेजेस हैं, वो मुख्तलिफ होती हैं. तो बजाय अभी जैसे कि हम इसको प्रॉपरली देखें तो ज़रा इस मालूमात को भी देख लेते हैं कि आप जानते हैं इंस्ट्रक्शन इन योर सेल, आपके सेल में, बॉडी के जो सेल हैं इनमें जो हिदायत हैं कुदरत की तरफ से, इंस्ट्रक्शन जो दी गई हैं, दैट टेल योर बॉडी, ये मालूमात, ये खुफिया हिदायत जो आपके सेल में महफूज हैं, ये क्या करती हैं कि आपके जिस्म को बताती हैं कि ग्रो कैसे करना है. उन इंस्ट्रक्शन को जो कि आपके जिस्म को बता रही हैं कि ग्रो कैसे करना है, उनको हम कहते हैं जीन. जीन बेसिकली बेटा ये डीएनए के टाइनी सेगमेंट होते हैं जो क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं. इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है हम देख रहे हैं कि दीज आर एक्चुअली टाइनी सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल. इन जीन में खुफिया मालूमात होती हैं, इन जीन के तहत पूरे जिस्म की जो ग्रोथ होती है वो हो रही होती है, इसके जिस्म में होने वाले तमाम जो प्रोसेस हैं बायोलॉजिकल वो सब जीन कंट्रोल कर रहे होते हैं. यू रिसीव हाफ ऑफ योर जीन फ्रॉम योर फादर एंड हाफ ऑफ योर जीन फ्रॉम योर मदर. तो डियर स्टूडेंट, एक शख्स जो है उसमें जितने भी जीन मौजूद हैं उसके दो हिस्से कर सकते हैं. एक हिस्सा विरासत में फादर की तरफ से आता है, वालिद की तरफ से आता है जीन का, और एक हिस्सा वालदा की तरफ से, मदर की तरफ से उसमें आता है. हर शख्स में, चाहे वो मर्द है या औरत है, लड़का है या लड़की है, उसमें बेसिकली ये जो जीन की विरासत है ये वालदैन से है और मुसावी तौर पर हाफ हाफ है. जनाब डियर स्टूडेंट, हमारा पहला लाइफ साइकिल जो हम देखने जा रहे हैं फिगर है 4.3, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो. इसमें डियर स्टूडेंट ये मच्छर का लाइफ साइकिल आप देख रहे हैं जी. किसका? मच्छर का. मच्छर अगर तुम्हें बहुत तंग करते हैं, काटते हैं, मगरिब के बाद एक्टिव होते हैं, सारी रात एक्टिव रहते हैं, इनसे महफूज रहने के हम बहुत से तौर तरीके भी अपनाते हैं, लेकिन मच्छर का भी कुदरत में कोई ना कोई रोल तो होगा, ठीक है ना. कोई चीज़ बेकार नहीं कुदरत के कारखाने में. बेटा ये देखें, ये अडल्ट मॉस्किटो आप टॉप पे देख रहे हैं, ये क्या करता है, ये मच्छर जो है इसकी फीमेल जो है ना स्पेशली वो अंडे देती है पानी में, एग्स, इन एग्स फर्टिलाइज एग होते हैं. इससे फिर बेटा आप देखें तो नेक्स्ट स्टेज जो आती है, इन अंडों से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टेज आ रही है उसे हम कहते हैं लार्वा. ये लार्वे होते हैं, प्लूरल लार्वी कहते हैं, सिंगल लार्वा. ये भी पानी में रहते हैं, वहाँ पर ये फीड करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं. देन ये मॉस्किटो लार्वा जो होता है ये
चला जाता है नेक्स्ट स्टेज में, जो कि स्टेशनरी स्टेज होती है, ज़्यादातर पानी में प्री फ्लोटिंग स्टेज होती है, दैट कॉल प्यूपा। प्यूपा में कुछ वक्त गुजारने के बाद फिर एक नया जानदार तश्कील पाता है, इससे निकलता है दैट कॉल अडल्ट मॉस्किटो, बालिग मच्छर। तो ये है जी मच्छर का दौरे हयात, लाइफ साइकिल, जो आपने देखा बहुत इजी है, चार स्टेजेस हैं, बनानी है। जब आप स्टूडेंट इसको बनाएंगे तो इसमें आंसर में तो आपने सिर्फ नाम लिख देने हैं, प्रॉपर डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है कि एग दिखाएं आप, लार्वा दिखाएं, प्यूपा दिखाएं। इसकी रीडिंग भी मैं कर देता हूँ। कैटरपिलर इज द लार्वा ऑफ इंसेक्ट दैट ईट अलॉट एंड मूव। कैटरपिलर जो होता है ये इंसेक्ट का लार्वा होता है, जो बहुत ज़्यादा फीड करता है, खाता पीता है और हरकत करता है। प्यूपा रेस्टिंग स्टेज होती है, उससे गिर्द एक हॉल होता है, शेल हॉल होता है, उस शेल को हम कहते हैं क्राइसेलिस। कैटरपिलर ओल्ड बॉडी जो होती है कैटरपिलर की, वो ख़त्म हो जाती है और नई बॉडी बनती है शेल से, और फिर उसके बाद प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट इंसेक्ट जो है ना वो उभर के जाहिर होती है। उसके बाद हमारे सामने है जी इसी पेज पे 53 पे हम देख रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ फिश। डियर स्टूडेंट, फिश के लाइफ साइकिल को भी अगर आप देखें तो इसको हम इस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये स्टूडेंट, इस फिश के लाइफ साइकिल में भी वही तकरीबन स्टेजेस हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि एक अडल्ट फिश है, अडल्ट फिश जो है फीमेल फिश, वो एग देती है पानी में, और उस एग से फिर जनाब जो है ना उसकी फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज जो है ना ये उभर कर सामने आती है, एक छोटी सी फिश होती है, उसे हम कहते हैं लार्वा। इस छोटी सी फिश से फिर आप देखें तो वो फिश ग्रो करती है, थोड़ी नशोनुमा पाती है, तो एक फिश जो है ना वो बन जाती है तकरीबन आप कह लें कि 1 इंच तक तकरीबन, या 1.5 इंच तक, इस तरह की 1.5 इंच 2 इंच, दैट इज कॉल्ड फ्राई। इसे हम क्या कहते हैं, फ्राई कहते हैं। फ्राई फिश जो होती है वो, फ्राई फिश से मुराद वो फ्राई फिश नहीं जो आप जो है ना फ्राई करते हैं तवे पे, इससे मुराद ये स्टेज है फिश की, ठीक है ना, इसका ख्याल रखना है आपने। फ्राई मीन अ स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फिश, जो कि थर्ड स्टेज है, फर्स्ट एग, सेकंड लार्वा, थर्ड फ्राई फिश। फ्राई फिश फिर और ग्रो करती है वक्त के साथ साथ, इसमें नई स्ट्रक्चर तो मतलब कुछ बनती हैं, फिन वगैरह इसके बनते हैं, साइज में इजाफा होता है थोड़ा सा, और इसकी जसामत जो होती है, इसका बॉडी साइज वो हो जाता है एक उंगली के बराबर तकरीबन, जैसे हम कहते हैं फिंगरलिंग। फिंगरलिंग जो होती है फिर ये भी ग्रो करती हुई कुछ दिनों बाद जो है ना, या कुछ महीनों बाद एक बड़ी अडल्ट फिश की शक्ल अख्तियार कर लेती है, दैट इज कॉल्ड अडल्ट, ठीक है ना। ये आपके सामने मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, रीडिंग भी मैं कर देता हूँ। न्यूली हैच फिश विद अ फूड सैक अटैच इज कॉल्ड लार्वा। अंडों से जो एक नई पैदा होने वाली छोटी सी जो मछली है, जिसके साथ एक थैली लगी हुई है, किस चीज़ की, फूड सैक है या यॉक सैक है, दैट इज कॉल्ड लार्वा। ये देखें आप कि अंडों से जो नन्ही सी छोटी सी मछली जो बनी है, इस पे एक थैली भी होती है, इसे हम कहते हैं फूड सैक। तो ये जो लार्वा है ये इस फूड सैक के थ्रू खुराक हासिल करते हैं, फिर ये जब नशोनुमा पाता है तो उस फूड सैक बेटा ख़त्म हो जाती है, और दैट इज कॉल्ड फ्राई फिश। इसमें अब फूड सैक नहीं है, और फ्राई फिर जो है वो आजादाना स्विमिंग करती है और अपनी खुराक खुद तलाश करती है, और उसके बाद जनाब ये है ना बढ़ते बढ़ते फिंगरलिंग की शक्ल अख्तियार कर लेती है, और फिंगरलिंग फिर कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद जाकर अडल्ट फिश में तब्दील हो जाती है जी। अब आप देख रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का लाइफ साइकिल देखें, फिश और फ्रॉग के लाइफ साइकिल में सिमिलरिटी ये है कि इसके लार्वा भी पानी में होता है, और अडल्ट फ्रॉग जो होता है वो खुश्की पर रहता है, पानी के करीब रहता है, जैसा कि पॉन्ड है, किनाल है, कोई स्ट्रीम है बेटा।
तो बेटा ये जो फ्रॉग है इसने जैसे ही अपने एग रिलीज किए पानी में, तो एग जो है ना वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जी लार्वा में, फ्रॉग के लार्वे को टैडपोल कहते हैं। तो अब पहली स्टेज पे देखें एग के फौरन बाद, तो यहाँ पर ये दूसरी स्टेज है इसकी, इसमें जो लार्वा डेवलप हुआ है लार्वा पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पहली इसकी फोटोग्राफ है। तो इसमें इसके अपेंडेजेस, इसके आर्म लेग नहीं बने, टेल बन चुकी है। ये फिश लाइक है, जो लार्वा है फ्रॉग का फिश लाइक है। तो अब नेक्स्ट स्टेज पे देखते हैं टैडपोल, जहाँ लिखा हुआ है तो इसमें इसकी बॉडी के अंदर कर्व भी आ चुका है और इसकी अपेंडेजेस बन चुके हैं, इसकी मूव करने के लिए जो है ना वो क्या बने कि इसके, यहाँ पर गौर से देखें तो हमें इसकी बेसिकली नज़र जो आ रही है वो हाइंड लिप बनती हुई नज़र आई है, कि ये इसकी टांगे बन चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है ना। टेल इसकी मौजूद है अभी, और टेल के साइड पर आप देखें तो फिश की तरह के इसके जो है ना फिन भी नज़र आ रहे हैं हल्के हल्के, ताकि स्विमिंग में हेल्प करें। टैडपोल जो होता है ये भी क्या करता है कि प्लांट मटेरियल खाता है पानी में मौजूद, और ग्रो करता है, नशोनुमा पाता रहता है। फिर इसकी बेटा जो है ना आगे वाली जो लिम्स हैं, फोर लिम या बाजू, वो भी बन जाते हैं। तो अब आप इस स्टेज पे देखें टैडपोल के फौरन बाद, आप इस एरो में देखें तो यहाँ पर आपको इसकी फोर लिम यानी कि बाजू और हाइंड लिम इसकी टांगे नजर आ रही हैं। टेल भी है इसकी अभी मौजूद, और इसकी टेल की गिर्द भी इस तरह जो है ना आप स्पोर्टिंग स्विमिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये रिजेंबल करता है किसी हद तक अडल्ट फ्रॉग से। फिर ये क्या होता है कि इस की जो एक यंग फ्रॉग है टैडपोल के बाद, बेटा इसकी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता टेल जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, इसकी फोर लिम और हाइंड लिम वो डेवलप हो चुकी होती है। हाइंड लिम यानी कि टांगे जो हैं इसकी वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होती हैं, फोर लिम इतनी डेवलप नहीं होती, हाइंड लिम होती भी साइज में बड़ी है, जिसकी वजह से फ्रॉग जो है ना वो लोकोमोशन कर सकता है, वो हरकत करता है, और फुदकता हुआ या जंप लगाता हुआ वो मूव करता है। तो वो बेसिकली अपनी हाइंड लिम की बेस पे कर रहा होता है। एक टर्म है बेटा इसके लाइफ साइकिल में, वह दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक अमल का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है, एक चेंज है जिसमें चेंज ऑफ शेप होती है एट ईच स्टेज ड्यूरिंग एनिमल लाइफ साइकिल। मेटामॉर्फोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ शेप। मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है जिसमें हर स्टेज पे एनिमल की लाइफ साइकिल में शेप चेंज हो रही होती है। जैसे कि इंसेक्ट बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में आपने देखा था फोर स्टेजेस थी, एग थे, फिर लार्वा था, प्यूपा था, अडल्ट बटरफ्लाई थी। इस तरीके से फ्रॉग भी जो होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में तीन स्टेजेस शो करते हैं, एग, टैडपोल और अडल्ट फ्रॉग। नंबर वन अडल्ट फ्रॉग, नंबर टू एग्स, नंबर थ्री टैडपोल। नाउ वी मूव दी लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड। बर्ड आप कह लें कि पिजन है, स्पैरो है, इनको टिपिकल एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं। स्पैरो को यहाँ दिखाया गया हाउस स्पैरो। डियर स्टूडेंट, आपको चार फोटोग्राफ नजर आ रहे हैं एरो से। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? स्टार्ट हम करेंगे अडल्ट से, जो एक आपको चिड़िया नजर आ रही है या जो चिड़ा नजर आ रहा है, इसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं कि मेल एंड फीमेल में, दैट इज द एक्चुअली। जब अडल्ट में हम देखते हैं तो अडल्ट एनिमल जो अंडे दे रही है वो फीमेल है। फीमेल स्पैरो घोंसला बना के उसने अंडे दिए नेस्ट में। अडल्ट स्पैरो से आपको नेस्ट में क्या नजर आ रहे हैं? एग्स नजर आ रहे हैं। एग जो होते हैं फीमेल जो है वो अपनी बॉडी हीट से इन एग को टेम्परेचर प्रोवाइड करती है। तो क्या शुरू हो जाता है इन एग के अंदर? डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है बेटा, और फिर एक खास दिनों के बाद जो उसके मतलब कुदरत की तरफ से मुतय्यन करदा दिन है, तो इनसे निकल आते हैं चूजे, न्यूली बॉर्न। उन चूजों को हम कहते हैं हैचलिंग। ये हैचलिंग आपको नजर आ रही है बेटा, हैचलिंग
हैचलिंग जो होती है ये क्या होते हैं कि ये बिल्कुल न्यूली बॉर्न बर्ड होते हैं, जिनकी स्किन भी जो है ना उसके ऊपर आपको पर नजर नहीं आ रहे होंगे, आंखें अमूमन बंद होती हैं बाज बर्ड के, हैचलिंग की हरकत नहीं कर सकते, हेल्पलेस होते हैं, टोटली पेरेंट पे डिपेंड करते हैं, इनके पेरेंट इनको खुराक खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, फीड देते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते कुछ एक्टिव हो जाते हैं। तो जो इसमें स्टेज नजर आती है तीसरी बेटा, स्टेज का नाम है फ्लैजिंग। फ्लैजिंग जो है यूँ कह लें कि यंग वन है, एक ऐसी स्पैरो स्टेज है बर्ड की लाइफ साइकिल में जो कि अभी अडल्ट नहीं बनी, सेक्सुअली मैच्योर नहीं हुई है, ये प्रोडक्शन के काबिल नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि ये क्या है, चिड़िया का बच्चा है, हैचलिंग है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैचलिंग ऑफ स्पैरो आर हेल्पलेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, फेदरलेस एंड वीक। फ्लैजिंग कैन जंप आउट ऑफ नेस्ट एंड लर्न टू फ्लाई। तो ये हैचलिंग जब थोड़ी बड़ी हो जाती है ना, तो ये सीख लेती है कि जब घोंसलों से कैसे निकलना है, अपने परों को कैसे फ्लैप करना है, फड़फड़ाना है और उड़ना कैसे है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लैचिंग। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा लेक्चर जिसपे आपने देखा कि कैसे जनाब जो है ना लाइफ साइकिल डिफरेंट एनिमल के डिफरेंट होते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, ये हमारे यूनिट की समरी है, इन पॉइंट को आपने रिमेंबर करना है ताकि जनाब जो है ना हम पॉइंट को रीड करें और हमारे जहन में भी रहें, हम उसको सॉल्व भी कर सकें। वो मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ। पहला पॉइंट है, ऑर्गेनिज्म चेंज एज दे ग्रो, जानदार तब्दील होते हैं, जैसे जैसे बढ़ते हैं वो तब्दील होते हैं। दे इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, इनकी बॉडी की पेचीदगी बढ़ती है, साइज बढ़ता है। नंबर टू, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन, वाइल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दीज टू प्रोसेस आर एब्सेंट। इस पॉइंट में बेटा जो है ना टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को बताया गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होती है और जनाब जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना गैमेट बनते हैं ना फर्टिलाइजेशन होती है। नंबर थ्री पॉइंट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्लांट इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके जरिए एक मुख्तसर वक्त में आइडेंटिकल प्लांट की तादाद में इजाफा हो सकता है, हम पैदावार हासिल कर सकते हैं। ट्यूबर, रनर, बल्ब, कटिंग, प्लांटलेट कैन बी यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, ये हमने पढ़ा है। मॉस्किटो, फिश, फ्रॉग डेवलप फ्रॉम एग इन दी वाटर, दे अंडरगो मैनी स्टेजेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। जी बिल्कुल, ये मेटामॉर्फोसिस की बहुत सी तब्दीलियों में से गुजर के अडल्ट में तब्दील होते हैं। और लास्ट पॉइंट बेटा ये है कि बर्ड एग डेवलप ऑन लैंड, हैचलिंग नीड पेरेंटल केयर। बर्ड के जो एग हैं वो लैंड पे डेवलप होते हैं, बर्ड अपने घोंसले बनाते हैं कुछ दरख्तों पे, कुछ झाड़ियों में, वहाँ अपने अंडे देते हैं, उनको वो इनक्यूबेट करते हैं, उससे फिर बच्चे जो निकलते हैं वो हैचलिंग होती है। हैचलिंग जो होती है इनको अपने पेरेंट की केयर चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड पेरेंटल केयर। फिर उसके बाद हैचलिंग इस काबिल होती है कि वो आजादाना जिंदगी गुजार सके। तो ये थे हमारे पॉइंट टू रिमेंबर डियर स्टूडेंट, आपने इनको थॉरली स्टडी भी करना है और पढ़ना है, फिर अपने कॉन्सेप्ट को जहनशीन भी करना है। कोई दुश्वारी पेश आए तो आप बराह रास्त टीचर से पूछ सकते हैं बदरिया राबते के जरिए, या जनाब जो है ना आप जो हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उनकी इंतज़ामिया से भी रब्ता करके कुछ भी आपके जहन में उलझन हो, कोई सवाल हो, उसका जवाब तलाश कर सकते हैं। बसूरत है दीगर, जब हम रेगुलर क्लासेस को अटेंड करेंगे तो आपके क्वेश्चन को भी एंटरटेन किया जाएगा। तो दिस वर द आवर यूनिट विच वी गो थॉरली फ्रॉम दी टॉपिक ग्रोथ। ग्रोथ हमने पढ़ा बेटा, इसके फोटोग्राफ को देखा, फिर रिप्रोडक्शन को देखा हमने, रिप्रोडक्शन की टाइप्स को पढ़ा, और आखिर में हमने जो है ना लाइफ साइकिल एनिमल में हमने देखे लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो, लाइफ साइकिल ऑफ फिश, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, लाइफ साइकिल ऑफ स्पैर। तो अपना आपने रखना है ख्याल स्टूडेंट, और काम को जो है ना आपने अटेम्प्ट कर